पहला बताइए तो हमको क्या होगा, डू डज प्लस वी वन, बाकी लोग कॉपी में करते चलिए। दूसरा क्या है सर, डिड प्लस वी वन। तीसरा क्या है, मॉडल प्लस वी वन। क्लियर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी सेंस रखना है। फोर्थ, फोर्थ चुकी है नहीं, सीधा रही है, हैव वी थ्री, नेक्स्ट हैड प्लस वी थ्री, नेक्स्ट हाँ मॉडल हैव वी थ्री, नेक्स्ट इज एम आर प्लस वी फोर, और बोलिए वाज, वर बोलिएगा, वर प्लस वी फोर, नेक्स्ट मॉडल बी प्लस वी फोर, नेक्स्ट हाँ ठीक है बिल्कुल सही, हैज हैव बिन प्लस वी फोर, हैड बिन प्लस वी फोर, नेक्स्ट नेक्स्ट मॉडल हैव बिन वी फोर था आपका, इज एम आर या वाज वर या हैज हैव हैड, इस सब के साथ क्या था, टू प्लस वी वन, टू प्लस आई एम टू टीच इंग्लिश, यू आर टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने वाले हैं, मैं अंग्रेजी सिखाने वाला हूं, क्लियर है। और लास्ट क्या था, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में क्या था, ही वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये 14 टाइप्स के स्ट्रक्चर थे। सबका ऑब्जेक्ट फॉर्म करना आसान है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, डू डज डिड में आपको क्या कर देना है, इसको चेंज कर देना है टू बी प्लस वी थ्री में, समझ रहे हैं ना, टू बी मीन्स दोनों हो गया, इज एम आर और वाज वर भी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, डू डज प्लस वी वन वाला फॉर्म चेंज करके क्या कर जाएगा, टू बी प्लस वी थ्री। और ये मॉडल वाले के लिए तो परमानेंट जान लीजिए, यहां तो सिर्फ सेल भी ला रहा है, सारे मॉडल के लिए यही होगा, ऑल 13 मॉडल्स अरेंज्ड ऑन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स इसको हमको चेंज करके क्या कर देना होता है, मॉडल के साथ बी दे दीजिए, क्या दे दीजिए, मॉडल बी प्लस वी थ्री, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए बहुत आसान है, ये हैव ग्रुप वाला जो परफेक्ट है, सब में क्या करना है कि हमको हैज या हैव के साथ क्या करना है, बिन देना है, क्या देना है, बिन देना है और प्लस वी थ्री कर देना है, क्लियर। वी थ्री यहां पैसिव में इसका था, ऑब्जेक्ट में भी वी थ्री है, लेकिन अंतर क्या है, यहां टू हैव प्लस वी थ्री है और यहां टू हैव बिन प्लस वी थ्री है, क्लियर है ना। आई हैव गोन टू दिल्ली, दिल्ली हैज बिन गोन बाय मी, क्लियर है ना, बिन आएगा सिर्फ। और इसमें जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जिसको आप कह रहे हो, इसमें क्या हो जाएगा, टू बी प्लस बींग प्लस वी थ्री, यू आर रीडिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज बींग रेड बाई यू, और इसमें भी फिर वही होगा, तो वही सेम है, बिन के साथ एक और डालिए क्या, बींग, अब देखिए फिनाइट का रूप कितना बढ़ जाएगा, पहले से ही था मॉडल हैव बिन, अब इसमें हम एक और डालेंगे, बींग भी डालेंगे, क्लियर है। हालांकि बोलचाल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत कम यूज होता है, इसलिए बहुत सारे ग्रामर के बुक में क्या लिख दिया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, कर सकते हैं सबका, क्लियर है ना, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता है, रिक्वायरमेंट नहीं होता है, समझ रहे ना,
यूज नहीं होता है, इसलिए बहुत जगह मिलेगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों सेक्शन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये चार का पैसिव जनरली बुक में कहते हैं कि नहीं होता है। नहीं होने का सवाल नहीं है, जरूरत नहीं होता है, यूज नहीं होता है, प्रचलन में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, प्रोटोकॉल में नहीं। क्लियर है? अब यहां पर आने के बाद क्या करना था, यहां कुछ नहीं करना था, हमको ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक टू प्लस वी वन के फॉर्म को क्या कर देना है, टू बी प्लस वी थ्री, क्या कर देना है, टू बी प्लस वी थ्री, आई एम टू टीच यू इंग्लिश। अब क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज टू बी टॉट बाई मी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? इंपेरेटिव्स का मामला भी बिल्कुल क्लियर है। कहेंगे क्या, डू योर वर्क, अब क्या हो जाएगा, योर वर्क, डू योर वर्क, योर वर्क, लड़खड़ाइए मत, यहीं से शुरू कर दीजिए, क्या हुआ, डू योर वर्क, एक्टिव फॉर्म में है, पैसिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, योर वर्क। हाँ, यदि आप मान रहे हो कि ये क्या है, ऑर्डर है, तो आपको लिखना चाहिए लेट योर वर्क बी डन, लेट योर वर्क बी डन। कह सकते थे कि सर ऑर्डर नहीं है, एडवाइस है, तो एडवाइस होता तो क्या कहते, योर वर्क शुड बी डन। क्लियर है? ऑर्डर के सेंस में रहेगा तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थ्री, और रिक्वेस्ट के सेंस में रहेगा तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस बी थ्री। क्लियर? बोलिए, दोनों हो जाएगा ना इंपरेटिव का। अच्छा, अभी करा लेंगे एक्सरसाइज, दिमाग में आप माइंड मेकअप इसको रखिए। तो ये 14 टाइप्स के स्ट्रक्चर से ही हमको सारा काम करना है। अब हम लोगों के पास जो वर्क है वो क्या है कि इन 14 टाइप्स के अरेंजमेंट को यूज करके और हम लोग सिंपल सेंटेंस हर तरह का बना लें, और जब सिंपल बना लेंगे तो उसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, दो तरह के टेंस को एक साथ लाएंगे, सिंथेसिस ऑफ टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, में तीन चार तरह की बात हम लोग करेंगे। पहली बात क्या करेंगे, कंडीशनल। पहली बात किसकी करेंगे, कंडीशनल। दूसरी बात किसकी करेंगे, डबल पास्ट। इसकी बात करेंगे, डबल पास्ट। तीसरी बात किसकी करेंगे, पार्टिसिपल। किसके, पार्टिसिपल। और चौथी बात किसको करेंगे, जिसको आप कहते हो नरेशन। क्या कहते हो, नरेशन भी क्या है, दो टेंस को जोड़ने का है। क्लियर है? चलिए,